अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज्जिज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दुआ कबूल ना होने की शिकायत करते हुए अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, जबकि खुदावंद आलम कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि हम हर चंद दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्ला वजो ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिलो दिमाग ने 8 चीजों में खयानत की है, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। वो 8 चीजें ये हैं। नंबर 1, तुमने खुदा को पहचान कर उसका हक मुआरफत अदा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी मुआरफत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। नंबर 2, तुम उसके भेजे हुए पैगंबर पर ईमान तो ले आए हो, लेकिन उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अमली तौर पर मुखालिफत करते हो, ऐसे में तुम्हारे ईमान का क्या फायदा। नंबर 3, उसकी किताब को तो पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं करते, जुबानी तौर पर तो कहते हो कि हमने सुना और इताअत की, लेकिन अमली मैदान में उसकी मुखालिफत करते रहते हो। नंबर 4, तुम कहते हो कि खुदा के आजाब से डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ाते हो और उसके आजाब से नजदीक होते रहते हो। नंबर 5, तुम कहते हो कि हम जन्नत के मुश्ताक हैं, हालांकि तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जो तुम्हें उससे दूर ले जाते हैं। नंबर 6, नेमते खुदा से फायदा उठाते हो लेकिन उसके शुक्र का हक अदा नहीं करते। नंबर 7, उसने तुम्हें हुक्म दिया है कि शैतान से दुश्मनी रखो और तुम उससे दोस्ती का नक्शा बनाते रहते हो। तुम शैतान से दुश्मनी का दावा तो करते हो लेकिन अमली तौर पर उसकी मुखालिफत नहीं करते। नंबर 8, तुमने लोगों के अय्यूब को अपना नस्बुलायन बना रखा है और अपने अय्यूब को मुड़कर भी नहीं देखते। इन हालात में तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, जबकि तुमने खुद उसकी कबूलियत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तकवा परहेजगारी इख्तियार करो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अमर बिल मारूफ करो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।